या कौन है भाई वही बीरबन्नी लाग रही इतनी रात को कहाँ जावे या तो सेल जा है भाई देखना पड़ेगा कहाँ जा आखिर हम प्रधान है गांव के ये पता ताली बैठ जा जल्दी चल गए अब क्या होगा मोरनी अरे विनीता दीदी हो का हाँ शैलजा आ जा सुबह सुबह तू अरे हाँ दीदी हम सोचे कि नई नई बहू का मुंह दिखाई कर ले अरे दो चार दिन बाद आ जाती दोपहर में आ जाती इतनी सुबह आने की क्या जरूरत थी तुझे अरे दीदी हमका जाना है ना ट्रेन पकड़ना है चल तो कर ले मुंह दिखाई यू बैठी बहू नहा धो के निकली है अरे हाँ दीदी दिखा दो आप ही देख ले तू अच्छा दिखा दो ये तो मुंह है ना ये दिखाओ अरे दिखा बस ना सर मारी होगी नहा धो के लिकड़ी है ना लिपस्टिक बिंदी ना लग रही इस मारे सर मारी है कोई बात ना दीदी हम तो इसे ही देख लेंगे हमका मेकअप का क्या जरूरत है चल दिखा दे ये जाएगी अपने गांव को दिखा दिखा अरे दीदी आपके बहू के तो मूछे हैं मूछे हाँ अरे ये तो मूछार है बिंद्रा तू एरमोनी भाग गई इन बातन में इज्जत ना रे बिंद्रे हाँ भैया ड्रामा आयो भैया ड्रामा पूछना सब यही है मेरी छत्ती पे मूंग डाल ले अरे होके रह आयो फिर भैया हो रहा कुछ ना वो अपने बेड पे पड़ी रोज सुबह सुबह मैं ही उठूं मैं ही घर का काम करूं सुबह का रोज ठंडे पानी में मुझे नहाना पड़ा अब मुझे जुकाम सा भी हो गया और बुखार सा भी होने लग रहा अच्छी अब इतना गुजरा फिर भी अच्छी बता रहा काय में अच्छी है खड़ी हो ए शैलजा भाभी होगी मुंह दिखाई चलो अपने घर चलो नीता चल जा बे चल संभाल अपनी मोरनी को यो लाया लो मैरिज करके सुनो रात तो काली हो गई हाँ। अरे शैलजा जैसी दो चार और मिल जाए तो हमारा तो हो लिया काम धंधा ठपी ना हो जाएगा पर सुनो पर इन बात में इज्जत ना ये इज्जत तो ना है पर इस धंधे के अलावा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते और हमारे पे आवी की बेरोजगारी इतनी फैल रही है देखो वो आली हाँ भाभी जी एक मिनट रुको एक मिनट भाभी जी रुको एक मिनट अब बैठो ठीक बैठो ही नहीं अब बताओ के रोना था रहा भाई साहब कछु आराम नहीं लगा भाभी आराम ऐसे ही लग जाएगा तुम्हें बताया था करके नहीं आए तुम अरे भाई साहब हम तो करके आए थे हम तो यही चाहते हैं भाभी जी चाहने से कुछ नहीं होना चाह तो आप कई साल से रही हैं कुछ करना पड़ेगा आप समझाई थी मानती नहीं आप कुछ भी धर के नहीं आई ना कपड़ा ना लत्ता ना दाल ना चावल ना मीठा सिट्ठा ना पैसे कुछ भी नहीं करके आई ऐसे थोड़ी बन जाएगा अरे भाई साहब कैसन बात कर रहे हैं आप हम तो 12 बजे रात को गए थे इतनी ठंड में और रख के आए थे सब कुछ करके आए थे आप कह रहे हो नहीं करके आए तू 12 बजे धर के आई ये रात को यहाँ से 12 बजे गए चार चक्कर काट के आए 4 बजे आए इन्हें कुछ नहीं मिला हुआ ये बात मैं सारी रात यहाँ परात लिए खड़ी रही ठंड में जब तू धर के आई तो वो कहाँ गया मिला क्यों नहीं अच्छा अब भाई साहब हम जो धर के आते हैं वो आप उठा के लाते हो का अरे नहीं भाभी जी ऐसा कुछ नहीं है ये पता नहीं कहाँ था के बकल लगे के सिर चल रहा ये जो यंत्र है ना ये यंत्र सब इसका करिश्मा इसमें सब कुछ आवे कौन गया के धर के आया के नहीं धर के आया सब आवे इसमें ये बता रहा हमें तुम कुछ नहीं करके आई पर चलो जो हुआ सो हुआ अब आगे बताऊँ आप धर के आओगी ना हाँ हाँ बिल्कुल धर के आऊंगी आपके थोड़ा सा महंगा हो जाएगा कभी फिर यूँ कहो कोई बात ना भाई साहब आराम पड़ जाना चाहिए आराम पड़ेगा तो ऐसे करियो एक साड़ी सी धरिए अच्छा महंगी सी ठीक है ठीक ठाक सी होनी चाहिए काम बन जाएगा ठीक ठीक और कुछ तो और कुछ दो जो सामान बता रखा हो तो धरोगी थोड़े पैसे बढ़ा दियो लिपस्टिक बिंदी भी धरिए सिंगार भी हो गए अच्छा
हाँ हाँ हमारे सब तरह की हो, लिपस्टिक वाली भी आ सके, मिठाई वाली भी आ सके। सारा काम प्रॉपर कर, इन बातन में इज्जत ना। ये बात हम तो यह चाहत हैं कि सब की इज्जत बनी रहे। आहा। चलते हैं भाई सब, राम राम। ओके बिल्कुल बिल्कुल। अब चल जाएगा पता, कैसे ना करते। अजी पंडित जी, राम राम। हाँ के बात है भाई? पंडित जी के बताऊं, पूरी शरीर में झुरझुरी सी उठ रही है, सारा शरीर पाट्या सा जा। झुरझुरी सी उठ रही है? हाँ। तू कहूं किनरा तरह निभड़ाया है? अजी राम राम राम, तुम भी किनका नाम ले रहे हो पंडित जी सवेरी सवेरी। दरअसल बात यू है कि मैं चौराहे पर ते टोटका ठा लिया था और मुझे लगे मेरे भीतर कोई बला बड़का बैठ गई, मारा तो नाश हो लिया नाश। अच्छा यू मामला है, या गड़बड़ है? ठीक ये भी लिखाड़ा, झाड़ू लिया है कि नहीं? नहीं झाड़ू? अब पंडित जी झाड़ू का यहाँ के काम? मैं झाड़ू लगाना आया, मैं झाड़ा लगवाना आया हूँ। मैं उससे तो झाड़ा लग गएगा, नहीं झाड़ू लिया। मैं झाड़ू तो झाड़ा लग गएगा, ले हो लिया हमारा तो नाश। हाँ जा, नहीं झाड़ू लिया। ले लिया हूँ। ठीक है ले आ। मुझे तो पंडित नकली लगे, पता झाड़ू तो भी कोई झाड़ा लाओ है, हमारी सारी दुनिया नाश करने पर लाग रही। कोई बात ना, ले आऊंगा। लो पंडित जी नई झाड़ू ले आया। ले आया ठीक है। बैठ जा, थोड़ा पीछे हो गए, बैठ। ले हो गया, सारी बाला टल गई। हाँ टल गई। अच्छा। एक काम करिए। हाँ। इसने चुराए था परेन जाके। हाँ। गेर दिए और पीछे मुड़ के मत देखिए, नवा बला उल्टी आ जाएगी तेरे में। हाँ पंडित जी कैसी बात कर, मैं तो चाहे पीछे धरती फटती हो मैं बिल्कुल भी मुड़ के ना देखूं। अच्छा पंडित जी राम राम। कहाँ चले बंदुवर? अजी अपने घर। कुछ पूजा पे की खबर है? पंडित जी वो तो भगवान का है दर, यहाँ क्या पूजा पे की खबर है? जो पट्टी पढ़ेगी तो और जाकर ये दे लिखाड़ के। यो बढ़िया रहा यार, तुम्हारी ये झाड़ू तो झाड़ के मारे पैसे झाड़न लग रहा, 70 रुपए की झाड़ू आई, तुम्हारा तो हो लिया ना। मैं गया सेहत में तो मैं बैठे हूँ, और डॉक्टर जाता तो 1000 रुपए दे के आता, रुपये लिकार, नहीं तो जो बला लिकारी है ना उल्टी बाट दूंगा। ना पंडित जी ऐसा जुलम मत करिए। हाँ जल्दी दे लिकार कर दियो। ना यो नहीं, यो दे, और इसका क्या करेगा, यो भी देगा जा। ठीक ले महाराज हो लिया नाश, ऐसा माग लगन लग रही। मेरी पिस्टल कहाँ है? सर वो तो चौकी में रहेगी। चौकी में रहेगी तो मजे क्यों गलियों में दिखाओ फिर रहे हो? अरे साहब ये तो पहना है, पहना से क्या डरना? ओह पहना, फिर भी ये हथियार ले रहा है शायद। हाँ पहना, ये क्या हथियार छुपा रखा है? हथियार? हथियार ना साहब, ये तो झाड़ू है। अच्छा हथियार को झाड़ू बता रहा है? सन्नो यस सर। लिख धारा लगा मोटी मोटी सी। कौन सी धारा लगा दूं? लगा दे 1402 धारा। साहब 1400 कुछ ज्यादा नहीं बता दिया आपने? तुझे पता ज्यादा बता दे, बीच में बोलती रहे, लिखन पे ध्यान देती नहीं। तेरी इतनी उम्र नहीं जितनी मेरी सर्विस होगी। ये देख ऐसे मिलते हैं।
लिखते रहा धारा लगाते रहा कर भ्रम फैला रखा है, झाड़ू को भी हथियार बना दिया, पुलिस के अस्ते से मारते किस किस को रोकेंगे हम, लगा चोरी की धारा। काहे की धारा लगवाए जा रहे हो, मेरे पास तो ये झाड़ू है और इस पे भी मैं मंत्र पढ़वा के लाया। अच्छा, अंधविश्वास फैला रहा है यहाँ पब्लिक में। संदो कर चिली, लगा एक और धारा अंधविश्वास वाली। साहब ये धारा कहीं और लगा रही हो, मेरे ऊपर ही क्यों लगाओ? सरकारी काम में बाधा, और लगा एक और धारा। सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हो पब्लिक के सामने। सरकार बदल ली, संविधान में सैकड़ों संशोधन हो लिए जब से देश आजाद हुआ, पर तुम्हें नहीं बदलना है, समाज को नहीं बदलना, अब भी अंधविश्वास फैलाते जा रहे हो। साहब धारा मत बढ़वाओ, चाहे कुछ और बढ़ा लो। कुछ और बढ़ाने के लिए तो धारा बढ़ा रहे हैं। साहब अब मैं तो इस झाड़ू पर मंत्र तो पढ़वा के लाया हूँ, मैंने कौन सा जुलम कर दिया? साहब यू पढ़ी लिखी झाड़ू ले रहे हो? अरे ये तो खुद ही पढ़ा लिखा ना, अब तू कितना पढ़ा लिखा तुझे भी जानू मैं। अभी दो पैसे बनने का नंबर आवे वहीं झाड़ू मार दे, ससुरा ऐसा स्टाफ मिल गया। लिखे लिख क्यों नहीं रही? धारा लगा मोटी मोटी सी। साहब हाँ बोलो। धारा तो आप चाहे दो और लगा लो, पर मेरी एक खोल है। क्या? मानो पकड़ के ले जाना तो मेरा हाथ या मैडम पकड़ के ले जा, कालजी को शेड़क पड़ जाएगी। अच्छा हाँ। साल भरते है शेड़क तो इस मैडम ने मेरे में न गिरी, तेरे में की गिरेगी? चल तब पूरे को शेड़ा करूंगा, चल। दरवाजे राम 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 राम। ये बात होगी ले देगा काल ले जाओ पन्ना कुछ। पर दान जी इस पन्ना को मैंने कई बार समझा लिया, कई बार हमने छोड़ भी लिया, पर यो मान नहीं रहा। चोरी, अंधविश्वास, कानून तोड़ना, सरकारी काम में बाधा डालना, आज यो लंबा टंगेगा। फिर आप कहोगे गांव की इज्जत की बात है, आज नहीं बचने का यो, बाद में छोड़ने वाला नहीं है सर। दरोगा जी नु तो हमें पता ही पूरा इबदार है, पर इबनू बताओ इसने कि क्या ऐप कर दिया ले देगा? और दान जी और झाड़ू को अभिमंत्रित करवा के लाया, ऐप नहीं करो तो जाके करेगा। दरोगा जी इसके बड़े लड़के पे भी ध्यान दे लो, वो भी अटेम ताकि तबीज में बढ़िया रहे। सारी ताल उसी की बैठन लाग रही, हम तो निरोल टाली हो रहे। सही कह रहे हो नेताजी, जिसे देखे वही मारी चुन्ना लगाने के पीछे लग रहा, उसे भी देखेंगे, पर पहले उसके बाप को तो देख ले जो संविधान की हत्या करा लग रहा। झाड़ू से संविधान की हत्या? या तो काम बोल। पर दान जी इतना टाइम कहीं में लगा रे, इसे अंगेगू ले जाके मामले को निमटाते क्यों ना? अरे उरा मेरे यार पन्ना, तूने क्या कर दिया गड़बड़, इतना मामला खराब, संविधान के साथ छेड़छाड़। संविधान के साथ छेड़खाड़, वो भी झाड़ू थे। अरे ये पुलिस है जेबड़ी का सांप बनाता है, दे देगा निमटा दे मामला, नहीं तो बात जाके यू एन एल ओ। यू एन ओ? हाँ। ये कौन से धारा हो? अरे ज्यादा दिमाग मतलब रहा, धारा वाला को छोड़, ये धारा थे ये, इसे समझे सब धारा को, निकल सर दीजिए। कितने में बात बनेगी? तावड़ कर तावड़, कोई और आ जाएगा फिर और रेट बढ़ जाएगा। ये तो अरे जाओ लोग, कितने हैं? हजार हैं। हजार में काम ना होता, चला सकती हजार में दे दो दरोगा जी को, है और तू मेरे को बाद में दे दे। ठीक दो दरोगा जी, मामला ऐसा है अपने गांव का ही बालक है, गांव की इज्जत की बात है, है? और कोई बात नहीं, और मैं भिजवा दूँ उधर। पन्ना मानस हो जा तू, आज फिर प्रधान की मेहरबानी तब बच गया तू, ठीक है? चुना तुम जाओ थोड़ा गांव में ग्राउंड लगा के आओ, कुछ कमा धमा लिया कर। मानस हो जा बच्चा, भला ढंग से रह ले, गांव में बेइज्जती ना करवा हमारी प्रधान की। संविधान के साथ छेड़छाड़, वो भी झाड़ू थे, बात समझ में नहीं आई। मगर दरोगा जी राम राम। राम राम। दरोगा जी आपने मारी बात पे ध्यान नहीं दिया। कौन सी बात मनवावे दरोगा बतू अपनी? भाई भीम भाई, हमने एक दिन दरोगा जी को कहा था कि हमें जेवड़ी का सांप बना के दिखाओ, पर इन्होंने मारी बात पे गोरी नहीं करी, जबर सिंह को हड़का सिंह मान रहे। हमने सोचा हम भी देखे। भाई जबर सिंह तू रहेगा तो जबर सिंह ही, दरोगा जी के कह रहा है ले दे गए, इसकी रिक्वेस्ट पूरी क्यों नहीं करते?
प्रधान जी टाइम आ दो, इसकी मनोकामना पूरी करेंगे। नाकाम भी देखे मोड़नी, तू सोनी घड़ी है। देख आखिरकार हम दोनों हो गए ना एक, मैं तेरे से प्यार घना करूं। तुम सही कह रहे, अब हम धरती पलट देंगे। हैं धरती? फिर तुम नू क्या हो कि नू क्या है, प्यार तो सभी करे और हम पति पत्नी भी तो हैं। अरे मेरी मोड़नी तू समझ नहीं रही, मैं दुनिया से हटके प्यार करूं तेरे ते? चलो झूठे। झूठा बता रही? देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या लाए? यू देख हार। और तेरे निया उल्टा आयो ऐसे ना ऐसे पहनने या पहन अच्छा लग रहा? बहुत सुतरा। अब बता। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ। रुको एक बात तो बताओ मुझे, ये माँ के क्या हो रहा? माँ के? हाँ। कुछ भी ना हो रहा, ढोंग भर रही है। अच्छा और पिताजी? पिताजी? पिताजी को अपनी सुध नहीं। अच्छा क्या देख रही मोड़नी? हार तो बहुत भारी है। मुझे लगे तो है कि तुम मेरे से प्यार करो। तुम्हें पता मुझे कैसे पता चली? कैसो? मेरी गैल ने छठी क्लास में लौंडा पढ़ाया, उसने मुझे हार दिया। हा। है? पर उसका हार हल्का था और उसका प्यार भी हल्का। हा अरे भाभी डरो मत, मैं हूँ। बड़ी मुश्किल से तो आप आई हो, बैठो बैठो। और सहलजा भाभी कैसा चल रहा है? क्या बताऊँ कैसा चल रहा है। क्यों? आजकल तो ये भी ध्यान ना देते मेरे पे भाभी। यहाँ तो वैसा हो रहा है कहे ना, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध। सारी दुनिया आवे है मेरे तो बूझने। देखे नोटों का के ढेर लग रहा है पर तुम नहीं बूझती। ऐसा मंत्र बता दूंगा वे तो वे थार पर सारा गांव ध्यान देगा, पर तो मानती नहीं, मारा कहा नहीं करती। तो बताओ ना आप क्या करूं? जो जो मैं चीज बताऊं वे लो, जहां कहूं जिस टाइम कहूं वहां धर जाओ, करना ही क्या। और अजी ये करने से कुछ फर्क तो पड़ेगा ना? ये चोखा सर जब भाभी आपको विश्वास ही नहीं, बोले फर्क ना पड़े। फर्क तो पड़ा पड़ा है, तुम दिखाई नहीं दे रहा। तुम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो, करके तो देखो। मेरा नाम चंद्रा है, लोग मुझे कहते हैं चंद्रा स्वामी, वैसी थोड़ी कह दें। अच्छा हाँ देखिए लैपटॉप से काम, हाई टेक काम है मेरा। अच्छा जी तो आप बता दो। हाँ तो सुनो ना फिर। अरे तुम ये क्या किटर पिटर लग रही हो इसमें जूसी मारने में, धरती को ना पड़े गुस्सा। चलो सुनो। 12 बज गए फिर सैलजा धरियाई होगी, उसे ठाके लाते क्यों नहीं, कोई और ले जाएगा ठाके। इन बातों में इज्जत ना। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, टोट का टोट क्यों, कौन ले जा रहा ठाके? ले आएंगे थोड़ी बहुत देर में, कुत्ते पुत्ते मुंह मार देंगे, हमें तो खाना है। तुम के सोन दो मुझे, चलो ले। सुनो हाँ तो उठ के जानी पड़े, कोई पहचान ले खा माना। जल्दी आई? जल्दी के पर जितना टाइम लगे उतना लगना ही है। जाऊंगा। अरे रपे भी है, बैठ गई दाल मौज। अरे लड्डू भी बैठ गई दाल भाई मीरज। अरे साड़ी भी है, दाल मौज ना आगे के।
जगह तो यही बताई थी। कहाँ धर के पैर आदमी की जुबान का कोई भरोसा ही नहीं रहा, उनके भरोसे कुछ काम करा ही नहीं जा सकता। बताओ ऐसे घर चले, ऐसे तो घर चले ना काम चले, हम पागल हैं? फिर ऐसा आ गया जड में बुक्कल मारो जड चद्दर की। आई सहल जब आप चल गए चलेगी ऐसे जैसे कि इतनी फन ने खा, छोटा सा काम नहीं करा गया हमारे कहने थे, किसी ने देख लिया तो हाँ और ये बा लाला जी गहने तो आपके चौखे हैं जी, अब सोना क्या भाव कर रहा है? सोना 56,000 रुपए। 56,000 रुपए किलो? किलो नहीं तोड़ा। अरे 56,000 रुपए में तो भैंस आ जाए। लाला जी मैं सोने की बात कर रहा हूँ, भैंस के भाव की ना पूछ रहा। तो सोने का ही बताया, 10 ग्राम का 56,000 रुपए तोड़ा। ले हो लिया हमारा तना, इतने का तो बहुत दहेज भी ना लिया हुआ, इसको असली सोना देने की जरूरत की। हाँ लाला जी गहने आपके चोखे हैं, मैं एक बार लंबरदारनी ने ले आऊं, हैं? ठीक है, अच्छा जी राम राम। हाँ भाई लिख लिया, और बताओ? वो भी लिख लो। भैया देख के चलो, मैंने तो कह दी आगे थारी मर्जी। तू बढ़ियान का, मैंने तो कह दिया आगे थारी मर्जी, तू भी ठीक है, हमारा कंजूस बाप भी ठीक। अरे हमारा ही आखिरी ब्याह है, दावत पावत की तो तुमने रेड़ मार ही दी, कम से कम उस बहू की ने कुछ लेन देन तो कर लन दो हमें है? और मैं भी तो नहीं कह रहा, मैंने पता नहीं मोड़नी से कितनी डींग मार रखी, कितना बड़ा चढ़ा के कह रखा, ठीक है तुम सारे मेरी मट्टी प्लेट करवा रहे। अरे वो मट्टी पलीत पहलवान, जब इन तो होती अभी कहती इन बातन में इज्जत ना है, डिंग मारने तक हो अपने घर को देख के चले करे। मोरनी अब क्या होगा, तू तो मोरनी को खा के मरेगा, ऐसी कैसी मोरनी है वो, कर्म फूट गया। हाँ चोखा, इसका ब्याह हो जाना तू पहले से कर्म फोड़ है, ऐसा है ये ब्याह का काम हम ही संभाल लेंगे, तुझे मेहमान को संभाल ले। अरे हम तो कुछ कहते ही ना, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है बस। ए बस यू भी ठीक है अपना, तू बढ़िया मेहमान है। अरे हमें कोई आगे घर में पीट जाए तो ठीक, आगे हमारी इज्जत भी इज्जत कर दे तो ठीक, हमारे घटा नफा हो जाए तो ठीक, तू बढ़िया मेहमान पाला हमने, बताओ बताओ तुम सामान बताओ यार। देख अरे ये कहाँ तक है, और जो भी लिया या सेकंड हैंड माल है फ्री में मिल रहा था। ये तो घना पैसा का आया होगा। अरे तो बावली पूछ है कि पहना ना ऐसा वैसा लगा रही है, नकली लाया हूँ नकली। अरे ये वैसे भी अपनी मर्जी तो ब्याह कर रहा है, दहेज वहेज तो कुछ मिलना ना है, मैं ऐसे पैसे खर्च कर दूंगा, पैसे बता कर ले आया हूँ देख। खोया है क्या? हो लिया हमारा तनाश, ये हो लिया क्या? वक्त रोगे जी, राम राम। राम राम, कहो कैसे हो? हूँ तो मैं ठीक, पर आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया जी।
कौन सी बात पे? दरोगा जी वही बात, जेबीडी को सांप बनाने वाली बात, मगम भी देखे। साहब ये कुछ ज्यादा ना बोल रहा हूँ? बोल लिया जितना बोलना था, इसका आ रहा है टाइम खराब, इसकी जुबान पे बैठा नाव, किसी दिन इसका जो फंसा हुआ गेयर काट दूंगा और इसके बाड़ों को जेबड़ी बांट के इसे देख जाऊंगा। हम भी देखे यूकी किसा चल रहा प्रधान जी, तो खुलेआम जुआ चल रहा यहाँ। अरे कौन मरा यू, किस किस कह रहे तुम ले दे गए? अरे हम इस गांव के लिए कितना खून पसीना बह रहे, इस गांव का नाम रोशन हो जा, इस गांव गुआंड का नाम हो जा, और तुम यू गांव का नाम मट्टी में मिलान लाग रहे बैठ की ताल। थारे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आज नहीं गरीबा ले देगा। अरे मानस खेल भी लिया करे पर कुछ उल्ला सोल्ला भी हो बैठ की ताल। पर दान जी हमें तो आदत पड़ गई जी खेलने की, या तो छुट्टे नहीं ये बताओ हम क्या करें? ऐसा है ध्यान तो सुनो, तो मैं जंगा हम देंगे ताशी गड्डी ठाका आजियो, और अपनी गैल तो दो चार और है ना थारे की डाल गए उन्हें भी ले आइयो बैठ की ताल। ए यू देखो जगह आसी कितनी बढ़िया, तुम फिर वहां से खुले में ताश खेलते बदनाम नहीं करवाते, देख कितनी बढ़िया जगह ले देखे। यहाँ तो मैं कोई चू भी नहीं कह सकता, यहाँ दिक्कत किसी बात की हो ही नहीं सकती, बैठ जी ताल बैठ। अरे ये लो और मौज लो, तुम यहाँ खेल लग रहे हो। प्रधान जी तो बहुत बढ़िया इंतजाम कर दिया तुमने। अरे प्रधान है हम यहाँ के, समझ लो तुम्हारे लिए छोटे से भगवान है, हम तुम्हारे ध्यान नहीं रख रहे तो कौन रखेगा। मौज कर दीजिए प्रधान जी, आता तुमने हम तो तड़के सांझ मजे लेंगे भी। हाँ खेल लो बेफिक्र हो। ठीक है जी प्रधान जी। अरे मारे रे तू भी, तुम्हें कोई दिक्कत बन सकेगी, पर एक काम करियो प्रधान जी का ध्यान रख लियो। वो कैसा ध्यान? कैसा ध्यान बता रहा, ले देगा भाई प्रधान जी है, इनकी भी इज्जत का ख्याल करो, इन्होंने अपने बारे में ना सोचा थारे बारे में सोचा, इनका भी कुछ खर्चा हो रहा, इनका भी खर्चा था डब्बन है, उस चीज में विचार करके रखियो बैठ की ताल। समझ गया जी। समझ गया? अरे क्या समझ गया, मैं भीख मंगा मान रहा है 100 रुपल्ली में दे दे के। अरे भीमा समझे इसे, अरे दिमाग में भूसी भर रहा के, प्रधान जी है लेवल है कुछ है, नू देख ताइलिया के इंतजाम कर रहे, और सपोर्ट ऐसे तुम ये दिखान लाग रहे है, कम से कम इज्जत का ख्याल कर, इन्हें 110 तो कर। 110 नहीं यू करो रघु, चल इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया, और अब खेल लो मौज लो कोई दिक्कत नहीं ले दे के। अभिमा हम बैठे हैं आज का तो हो गया काम जी, चलो बैठ की ताल जुगाड़ और क्या। दरोगा जी राम राम, ले दे गए राम राम। प्रधान जी कहाँ घूम रहे हो, कहाँ टाइम खराब कर रहे हो? दरोगा जी प्रधान वो चीज है टाइम ना खराब करता एक मिनट का भी, बैठ की ताल। कहाँ घूम के आए हो? प्रधान जी घने दिन हो गए कोई गोटी ना बैठा ही डंडा खा कर। अरे डट जा वलदार, आज गोटी बैठा का है। सुनना ठीक कह रहा प्रधान जी, मैं परसों गांव में गश्त पे था, थारे गांव में तो बहुत सोनी सोनी ट्रोली थी। अरे दरोगा जी सोनी कड़ी पर उनका माड़ा गिर रहे हम। नेताजी मैं माड़ा गिरन की नहीं कह रहा, माड़ा तो तुमने प्रधान जी का उम्र पे नहीं पड़न दी, तुम्हें लोहे के भाव का नहीं पता। लोहे के भाव का तो पता दरोगा जी, पर गांव समाज में काम हमारे पे होते तो नहीं। अरे उठाओ नहीं कर दी। दरोगा जी मेरी खानदानी रेपुटेशन है, दांव पर लग जाएगी, बैठ गई ताल। नेताजी रेपुटेशन के चक्कर में नहीं पड़ा करते, रेपुटेशन के चक्कर में पड़ोगे तो ना थारे घर में चूल्हा जले और ना मेरे में जले, जेब नहीं खाली रहेगी थारी भी और मेरी भी। दरोगा जी पर थारे तनख्वाह भी बथेरी मिला है, ले देगा तनख्वाह? तनख्वाह को आधी को या पी जा आधी को मैं पी जाऊँ सांझ को, कहाँ काम चल रहा तनख्वाह में? अरे साहब या गाँव में तो भैंस बंद रही है ठाड़ी ठाड़ी डंडा खाके। अरे हवलदार बे ठाड़ी ठाड़ी का प्रधान के फेरे फिरवाऊंगे भैंस के। प्रधान जी का बिहान करवा रहे, भैंस ने चोरी करवाने को कह रहे है। होलदार साहब मारे पे यू काम बिल्कुल नहीं होने का, मारे पे किसी की हार नहीं ली जाने की प्रधान जी। ना नेताजी तुम बात नहीं समझ रहे, तुम किसी पे भैंस कटिया खुलवाओ,
रास्ते में उन्हें हम दबोच लेंगे, कुछ तो उनसे उभारेंगे, कुछ भैंस वालों से लेंगे, कुछ सरकार देगी और अखबार में हमारा फोटो भी छपेगा, नाम भी होएगा। तुम समझ नहीं रहे बात को। बात तो ठीक है प्रधान जी, इसमें तो किसी का बुरा भी नहीं, बैठगी ताल और जेब भी गर्म। ले दे के देना दाना कुछ नहीं, लेना ही लेना इसमें तो। अच्छा ठीक है दरोगा जी, मैं भी लगाऊं किसी आदमी को किसी काम पे, ले दे के। हाँ भाई प्रधान जी, तावल सी करियो। चुन्ना जी सर, आज कोई फंसेगा नहीं फंसे या नौ ही दिन निकलेगा? अरे साहब कोई फंस जा तो हमारी दिवाली सी मन जाएगी। चल देखते हैं। पैना का घोंसला, पैना का घोंसला, पैना का घोंसला, रहवे बड़े बड़े नमूने जब है घोंसला। पैना का घोंसला, पैना का घोंसला, पैना का घोंसला। लाले अकल किसी में कम, किसी को सांस के लाले अकल किसी में कम, कोई बन फिरे तांत्रिक दुनिया इनसे तंग। खुद के खुद ही दुश्मन है ऊंचा पर हौसला, खुद के खुद ही दुश्मन है ऊंचा पर हौसला, रहवे बड़े बड़े नमूने